और डेक में से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सोसाइटी कैंपस का व्यू मिलेगा। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर है सूरत डायमंड बुर्ज। यहाँ पर सारी लग्जरियस एमिनिटीज जैसे कि स्विमिंग पूल आउट, 4 BHK फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट फॉर सेल इन वेसू। इस तरह से यहाँ पर बायोमेट्रिक लॉक दिया हुआ है, स्मार्ट लॉक। यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस, ये प्रॉपर साउथ वेस्ट डायरेक्शन का फ्लैट है, विंड डायरेक्शन फ्लैट। यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस विद ब्यूटीफुल फॉयर एरिया। फ्लैट में एंटर करते ही यहाँ पर राइट साइड पर है फर्स्ट बेडरूम, उसके आगे है लिविंग एरिया, यहाँ पर है सेकेंड बेडरूम, थर्ड बेडरूम एंड फोर्थ बेडरूम, और लेफ्ट साइड पर है किचन एरिया एंड डाइनिंग एरिया। आइए मैं आपको वन बाय वन दिखा देता हूँ। यहाँ पर है फर्स्ट बेडरूम, काफी ब्यूटीफुल रूम साइज है और फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है विथ ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। यहाँ पर आपको सभी रूम्स में एयर कंडीशनर भी लगा कर देंगे, जैसे कि लगा हुआ है आप ऑलरेडी देख सकते हैं, और रूम साइज काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ पर है प्लेस फॉर योर मंदिर। ये फ्लैट पूरा वास्तु को कंसिडर करके बनाया हुआ है, और यहाँ से है पूरा सोसाइटी कैंपस का ब्यूटीफुल व्यू, पूरा लैंडस्केप एरिया और वाटर बॉडी का आपको व्यू मिलेगा। रूम साइज काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर है सामने वार्डरोब, यहाँ पर है बेड, और यहाँ पर भी आप इजीली चेयर लगाकर बैठ सकते हैं। यहाँ पर स्टडी भी दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये 3124 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, और लिविंग एरिया में और डाइनिंग एरिया में आप देख सकते हैं पूरा इटालियन मार्बल दिया हुआ है। यहाँ पर है ब्यूटीफुल लिविंग एरिया, यहाँ पर है आपका सिटिंग एरिया, सामने आपकी टीवी यूनिट, और यहाँ पर ग्लास का पार्टीशन भी किया हुआ है क्योंकि पूरा सेंट्रल एसी सिस्टम है लिविंग एरिया में। ये अनटच फ्लैट है, फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट, आप रहने वाले फर्स्ट पर्सन हो इस फ्लैट के अंदर। यहाँ पर आपको सामने डिज़ाइनर सोफ़ा दिया हुआ है, सब ब्रांड न्यू कंडीशन में है, टोटली अनटच फ्लैट है ये। यहाँ पर ऊपर सेंट्रल एसी का सिस्टम आएगा, और फैंस वगैरह भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी के, स्टैंडर्ड कंपनी के फैंस यूज़ किए हुए हैं। लिविंग एरिया से कनेक्टेड आपको फुल लेंथ फ्रेंच विंडो मिल जाती है, और उसके जस्ट ऑपोजिट एक और विंडो है, तो आपका क्रॉस वेंटिलेशन भी जो है बना रहेगा। यहाँ पर है सन डेक, काफी स्पेशियस डेक है। अब यहाँ पे सब सामान पड़ा हुआ है क्योंकि रिसेंटली ये फ्लैट डेवलप किया है, आपको पूरा क्लियर करके देंगे। और डेक में से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सोसाइटी कैंपस का व्यू मिलेगा। अभी शाम का टाइम है, 7:30 बज रहे हैं, आप व्यू देख सकते हैं, लाइटिंग कंडीशन बहुत ही ज़बरदस्त है, और बिल्डिंग का एलिवेशन भी बहुत ही प्रीमियम है। लोकेशन वाइज और कनेक्टिविटी वाइज भी काफ़ी अमेजिंग है ये। सूरत एयरपोर्ट भी यहाँ से पास में ही है, और डायमंड बुर्ज भी यहाँ से एकदम नज़दीक है। यहाँ पर आपकी प्रॉपर डाइनिंग स्पेस, इजीली आपका 8-10 सीटर डाइनिंग यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर है शैंडलियर, और यहाँ पर भी एयर कंडीशन लगाया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर है कॉमन वॉशरूम। और यहाँ पर भी विंडो है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन एंड नेचुरल सनलाइट इनसाइड द हाउस। और यहाँ पर है आपका किचन एरिया, पूरा सेपरेट किचन स्पेस है। लिविंग एरिया आपका पूरा सेपरेट है और किचन आपका पूरा सेपरेट है, तो आपकी प्राइवेसी भी यहाँ पे बनी रहेगी। किचन एरिया में आपको इस तरह से बिग प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, पूरा यू शेप का है, और सभी यहाँ पे ट्रॉलीज वगैरह कैबिनेट्स बने हुए हैं, फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है ये। और यहाँ पर ओनर ने ये टाइलिंग वगैरह पूरा खुद से चेंज किया है,
डेवलपर ने दूसरा टाइल्स दिया था यहाँ पे, डिज़ाइनर टाइल्स है ये, और ये पूरा आपको एज इट इज़ कंडीशन में मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेस है पूरा, और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है जो कि काफ़ी बेस्ट है वास्तु के हिसाब से फॉर कुकिंग। यहाँ पर है चिमनी, और प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे क्वार्ट्ज का दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर भी ऊपर स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पर है सिंक, ये सब कुछ आपको एज इट इज़ कंडीशन में मिलेगा। रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, उसके अलावा चिमनी, गैस स्टोव, एवरीथिंग। और यहाँ पर है पूरा आपका स्टोर रूम, ये पूरा मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट है, ओपन स्टोर का ये पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरेज स्पेस दी हुई है। किचन एरिया से कनेक्टेड यहाँ पर आपको वॉश एरिया मिल जाता है, और साथ में आपको यहाँ पे सैमसंग कंपनी की वॉशिंग मशीन भी मिल रही है। उसके अलावा यहाँ पर भी अलग से प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, और यहाँ पर गीजर भी इंस्टॉल्ड है। अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा सकते हैं फॉर लेटेस्ट प्रॉपर्टी टूर्स एंड अपडेट्स। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर है सूरत डायमंड बुर्ज। अपने प्रोजेक्ट के एकदम नियर बाय है तो इसका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है, और ये सोसाइटी के अंदर नीचे जैन देरासर भी है। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी एमिनिटीज़ दी है जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम, मिरर मेज, बॉक्स क्रिकेट एंड मैनी मोर। यहाँ पर है सेकेंड बेडरूम, या आप एंटरटेनमेंट रूम बना सकते हैं या फिर एज अ लाइब्रेरी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आपको प्रॉपर नॉर्मल बेडरूम बनाना है तो भी इजीली पॉसिबल है। सभी रूम्स में, लिविंग एरिया में, डाइनिंग एरिया में एयर कंडीशनर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी एयर कंडीशनर लगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको काउच वगैरह लगा के रेडी करके पूरा कंप्लीट मिलेगा। ऑलरेडी ये फ्लैट के अंदर अभी काम चालू है। यहाँ पर है थर्ड बेडरूम, आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम इटालियन मार्बल का यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल रूम साइज है। और यहाँ पर भी विंडो है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन एंड नेचुरल सनलाइट। यहाँ पर आ जाएगा आपका ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पर है एयर कंडीशनर, और काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन लग रहा है। इंटीरियर काफ़ी अच्छा किया हुआ है यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी डिसेंट, सॉबर और ब्यूटीफुल इंटीरियर है यहाँ पे। ये रूम से कनेक्टेड आपको अटैच्ड वॉशरूम मिल जाएगा, और यहाँ पर है वॉक इन वार्डरोब। वॉकिंग वार्डरोब की वजह से आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी, और कोई गेस्ट आएगा तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और आपकी बेडरूम का साइज डिस्टर्ब नहीं होगा। यहाँ पर है अटैच्ड वॉशरूम विद ड्राई एंड वेट एरिया सेपरेट। वेरी ब्यूटीफुल हाउस एंड टोटली अनटच्ड फर्नीचर। यहाँ पर है फोर्थ एंड द फाइनल रूम। यहाँ पर है फोर्थ बेडरूम, और काफ़ी अमेजिंग रूम साइज है, और यहाँ पे ऑलरेडी काम चालू है जैसे कि आप देख सकते हैं, जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर भी नीचे इटालियन मार्बल का यूज़ किया हुआ है जो कि काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पर सामने है आपकी टीवी यूनिट, और यहाँ पर भी एयर कंडीशनर लगाया हुआ है, और ऊपर आप सीलिंग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से पूरा डेकोरेट किया हुआ है, पूरा वुडन फिनिश में सीलिंग है। और रूम साइज़ काफ़ी अच्छा है जिसकी वजह से आप यहाँ पर इजीली चेयर लगाकर बैठ सकते हैं, आपकी चेयर भी यहाँ पे आराम से आ जाएगी। यहाँ पर है आपकी वार्डरोब, स्लाइडिंग वार्डरोब यहाँ पे दी हुई है, और काफ़ी मॉडर्न स्टाइल से डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ से भी आपको सेम व्यू मिलेगा, सोसाइटी कैंपस का व्यू है,
पूरा गार्डन व्यू के साथ में। यहाँ पर है सोसाइटी का क्लब हाउस जिसके अंदर स्विमिंग पूल से लेकर के कॉन्फ्रेंस रूम, जिम, मिरर मेज और काफ़ी सारी एमिनिटीज़ है यहाँ पे ऑलरेडी। और ये बिल्डिंग में हर तरह के फंक्शंस यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं। ये रूम के साथ में है आपका अटैच्ड वॉशरूम, यहाँ पर है अटैच्ड वॉशरूम, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे अंधेरा है और लाइट नहीं है। और यहाँ पर है वॉक इन वार्डरोब। अभी हम ये प्रोजेक्ट के क्लब हाउस में हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी एमिनिटीज़ इन्होंने कवर की हुई है और बहुत ही ब्यूटीफुल इसका इंटीरियर है। यहाँ पर सारी लग्जरियस एमिनिटीज़ जैसे कि स्विमिंग पूल, उसके अलावा जिमनेशियम, सारी एक्टिविटीज़ है, वो भी प्रॉपर ट्रेनर के गाइडेंस के साथ में आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्टीम रूम, सोना रूम और भी काफ़ी सारी एमिनिटीज़ है जैसे कि जकूजी, कॉन्फ्रेंस रूम एंड मैनी मोर। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर लॉकर की भी फैसिलिटीज़ भी दी हुई है जो कि आपको बड़े बड़े क्लब्स में मिलता है। यहाँ पर है टॉडलर्स प्ले एरिया फॉर स्मॉल किड्स। यहाँ पर है इंडोर गेम जोन, गेम्स लाइक टेबल टेनिस, चेस, कैरम, पूल, स्नूकर, आइस हॉकी एंड मैनी मोर। ये नाइट व्यू आप देख रहे हैं और यहाँ पर सब जगह सीटिंग भी बनाया हुआ है और यहाँ पर स्मॉल बेबी पूल भी दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग एम्बियंस है यहाँ पे, पूरा क्लब लाइफस्टाइल है। और यहाँ पर है लाइब्रेरी, अभी प्रेजेंटली ये क्लोज है। यह है सोसाइटी का बैंक्वेट हॉल, यहाँ पर आपको कोई भी फंक्शन करना हो 250 से 300 लोगों की गैदरिंग के साथ में तो इजीली यहाँ पर पॉसिबल है। काफ़ी अच्छी लाइटिंग कंडीशंस है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे पेंट्री दिया हुआ है, किचन एरिया। अगर आप पर्सनली आके ये प्रॉपर्टी विजिट करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हायर मिडिल फ्लोर का फ्लैट है और काफ़ी अमेजिंग सोसाइटी है ये। सो आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर बेस्ट रेट्स डू कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी ढूंढो। यू कैन ऑल्सो फाइंड अस ऑन इंस्टाग्राम @ प्रॉपर्टी ढूंढो। हैप्पी इन्वेस्टमेंट टू ऑल।